अम्मा, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना देना, किशोर ने अपनी अम्मा रेखा देवी से कहा। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? रेखा देवी ने खांसते हड़बड़ाते हुए पूछा। किशोर ने अपनी अम्मा से कहा, पहले तो आप यह खांसी करना बंद कीजिए। आपको यह भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए, अच्छा लगता है क्या? जब किशोर गुस्से से चिल्लाता तो उसकी पत्नी रागिनी को तो मौका ही मिल जाता अपनी सास पर कटाक्ष करने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसती ही रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख लें। बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाइयाँ लेने के लिए। ठीक है माँ, आज रागिनी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाइयाँ दिलवा लाएगी, किशोर ने कहा तो रागिनी इसके विरोध में बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है माँ जी को, चटोरी जुबान की वजह से हुआ है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हूँ और फिर खांसती रहती हैं दिन भर। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगे, खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। किशोर ने अपनी पत्नी रागिनी की बात पर सहमति जताई और उसे कहा, दोपहर को मेरा एक जरूरी लेटर घर पर आने वाला है, वह लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे 3-4 दोस्त ऑफिस से आएंगे, तो बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर रागिनी बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किटी पार्टी भी है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती तुम? और रात को अच्छा सा खाना बना कर रखना है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर तो ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन रागिनी के तेवर सातवें आसमान पर चढ़ गए थे। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर बरस पड़ी, कोई काम ना करना पड़े इसलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। मैं सब जानती हूँ, आपको कुछ काम तो है नहीं तो यही काम कर लेती, वैसे भी दिन भर बिस्तर पर पड़ी ही रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। अपने लिए ऐसे अपमानजनक बातें सुनकर रेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार बढ़ती जा रही थी, ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वह अपने कमरे में चली। चलते घूमते हुए रागिनी ने जैसे तैसे डिनर तो तैयार कर दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो झूठे बर्तनों का ढेर जैसे का तैसा पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब रेखा जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही रागिनी बोली, थोड़े से बर्तन पड़े हैं माँ जी, उन्हें मांझ कर रख लीजिएगा, और हाँ रात का खाना भी बना लेना, हम लोग देर से आएंगे। किशोर ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। आज रविवार का दिन था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह तो रेखा जी को भी नहीं पता था, ना तो वह पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी बताते थे। रेखा जी ने रसोई में जाकर देखा तो झूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते, रेखा जी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन किशोर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप कराने के बाद पता चला कि लगातार खांसी रहने की वजह से उन्हें टीवी की बीमारी हो गई है और रेखा जी का इलाज लंबा चलेगा। रेखा जी का इलाज शुरू किया गया तो कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाइयां दी गई, लेकिन फिर से ज्यादा खर्च के डर से किशोर दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। अभी 3 साल पहले ही रेखा जी बड़ी खुशी से रागिनी को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर रागिनी ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। वह अपनी मनमानी करने लगी और किशोर को भी अपनी बातों में फुसला लिया। किशोर पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था, रही सही कसर रागिनी ने भी पूरी कर दी। रागिनी पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी, उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वही रेखा जी की स्थिति घर में रखे हुए पुराने सामान जैसी हो गई थी। जब बेटा ही अपनी अम्मा की कदर नहीं करता था तो बहू कहाँ से करती। किशोर रागिनी के सामने ही रेखा जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण रागिनी और सिर पर चढ़ गई थी। रागिनी के आने से पहले रेखा जी ने घर में काम वाली लगा रखी थी जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी, पर रागिनी नहीं आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया था और काम वाली बाई को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली को पैसे देने ही बेकार हैं।
जब घर में सासू माँ बैठी हैं, रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो किशोर चिल्ला कर बोला, यह क्या बना दिया, सब्जी भी मसाला बहुत कम है, अम्मा आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता क्या, इससे अच्छा तो हम बाहर ही खा कर आ जाते, आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ, यह फीका और बेस्वाद खाना खाने के लिए। किशोर की तेज आवाज से रेखा जी हिल गई, वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में सुबकने लगी। रागनी को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करें। रेखा जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। अपने मायके में चार बहनों में सबसे बड़ी रेखा को हमेशा ही अपशगुनी कहा जाता था। इतनी बड़ी क्योंकि दीदी कहती थी, रेखा अपने पीछे तीन बहनों को और ले आई है। सारी बहनों के जन्म पर दादी फूट फूट के रोई, आखिर वंश तो बेटों से ही चलता है। चार बहनों को देखकर उसकी दादी का मन कुलबुला उठता था और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाएं और उन्हें इन सब से छुटकारा मिल जाए। रेखा जी का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण रेखा जी को ज्यादा पढ़ाया नहीं गया और उनके माँ पिताजी ने उनका रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। दहेज तो था नहीं, तो अपनी से दोगुनी उम्र के आदमी के साथ ब्याह कर दिया। रेखा जी जब शादी के बाद पहली बार घर आई तो देखा कि घर और दुकान पर तो उनके जेठ और जिठानी का ही राह चलता है। रेखा जी का सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाता था। जेठानी भी रेखा जी को अपने रोब तले दबा कर रखती थी, फिर भी वह पूरा लगन के साथ काम में लगी रहती थी। रेखा जी के पति को उनकी हालत से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जो भी पैसा दुकान से लेकर आता था जुए में उड़ा देता था। लेकिन रेखा जी को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद रेखा जी ने अपने बेटे किशोर को जन्म दिया, लेकिन उनके तुरंत जन्म के बाद ही उनके ससुर जी का देहांत हो गया। किशोर के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण से वह बीमार रहने लगे और इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रेखा देवी जो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी, अब रेखा जी एक पैसे के लिए मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब रेखा जी ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उनके जेठ और जेठानी ने धक्के मार कर उनके बेटे के साथ उन्हें घर से निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि नौकरी कर सकती, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और किशोर को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और जिसके कारण किशोर की आधी फीस भी माफ हो गई थी। अब रेखा जी अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। उनका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वह ठीक था, पर उस पर उसके बिगड़ैल पिता की छवि थी। वही गुस्सा और गालियां गलौज करना रेखा जी समझती थी, पर वह किसी की नहीं सुनती थी। कुछ सालों में किशोर एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पानी शुरू कर दी। उसने अपनी पसंद की लड़की रागनी से शादी कर ली और दो कमरों का एक घर ले लिया। रेखा जी को वह अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। रेखा जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें दो समय का खाना तो मिल जाया करता था। रागनी के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब तो वह जाती भी तो कहाँ जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा, सभी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। वह अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब रेखा जी की तबीयत पहले से भी बेहतर होने लगी थी, जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत ज्यादा खराब लगती तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास का यूं पड़े रहना बहु रागनी को खलता था। उन्हें लगता था कि उनके पास केवल उनका खर्च ही बढ़ रहा है। सोचने लगी, जितने की माँ की दवाइयां आ जाती है इतने में तो एक काम वाली बाई रख सकती हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो रागनी ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है तो अब वह हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी, तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते, वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती ही रहती है, बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है, तुम ऐसा करो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आओ।
बेकार में ही एक कमरा घेर रखा है, मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर किशोर बोला कि हम माँ को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ सकते हैं, फिर मेरी भी तो माँ के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर रागिनी बोली, किशोर अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं कर पाती, उनकी दवाइयों का खर्च कुछ कम नहीं है, माँ जी का बोझ हमारे सिर से हटेगा तो हम काम वाली बाई रख लेंगे, मुझसे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया, अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता कि अब हम लोगों को अपना पैसा उन पर लगाना चाहिए, और फिर बिना मतलब ही इन्होंने कमरा घेरा हुआ है। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को भी नहीं दे सकती। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कहो, उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आओ। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ जी से बात करता हूँ। रेखा देवी जी बाहर हाल में बैठी हुई बेटे और बहू की सारी बातें सुन रही थी। यह बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा घेर कर बैठी हूँ? इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, स्वयं कांटों पर भरी राह में चलते हुए भी अपने बेटे पर आंच न आने दी, बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया, उसके सर पर यह छत दी, तो केवल मेरी बदौलत है आज मैं बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और सोचने लगी कि मेरे त्याग और तपस्या का मुझे यही फल मिल रहा है। मुझ बेचारी रेखा जी आखिर कोसती भी तो किसे कोसती? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को जब लोग सो रहे थे तो, लेकिन रेखा जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रही और आंखों से नीर बहाती रही। सोचने लगी कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या जरूरत आ पड़ी थी। मैं तो हॉल में भी रह लेती, नहीं तो स्टोर रूम में भी रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे और फिर से उन्हें खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं, फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा? अब वह बेटा अपना रहा ही नहीं। अगले दिन जब किशोर और रागिनी सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो उठी ही नहीं। सोचने लगे कि माँ जी उठे तो वृद्धाश्रम भेजने के लिए कहें, बात करें। एक घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो किशोर और रागिनी ने माँ जी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गए, लेकिन यह क्या, माँ तो वहां थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वह दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए कहाँ जा सकती हैं? इतने में किशोर की नजर माँ जी के बिस्तर पर पड़ी चिट्ठी पर गई। देखते ही किशोर चिट्ठी की तरफ लपका और जल्दी से खोल कर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे किशोर, हमेशा सुखी रहो। मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह जानने के बावजूद भी न जाने क्यों मेरे मन में तुम्हारे लिए दुआएं ही निकल रही है। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम मुझसे इतने पराए कैसे हो गए? यह बात समझ पाना तो शायद मेरे लिए इस जन्म में मुमकिन नहीं। न जाने क्यों एक माँ वृद्धावस्था में पहुंचकर अपने बेटे और बहू के लिए बोझ बन जाती है। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो? वह सब तो मैंने रात को ही सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरी आगे की जिंदगी कैसे बितानी है इस बात का फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम सारे सुखी रहो। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर दो पल के लिए किशोर की आंखों में आंसू आ गए, उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए। थोड़ी देर बाद रागिनी की बहन प्रीति घर पहुंच गई और घर का माहौल कैसे हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात तक किशोर और रागिनी माँ जी को भूल चुके थे, खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में मशगूल थे। रेखा जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली थी। एक दिन पहले ही रेखा जी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयां खरीदी।
उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत रेखा जी ने छोटी बहनों को फोन लगाया और उन्हें अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफी सालों से वह बंद पड़ा था, वहां रहता भी तो कौन। माँ पिताजी को तो मरे काफी साल हो चुके थे और बहनों का कोई भाई नहीं था जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। रेखा जी की बातों से परेशानी की झलक को देखते हुए उनकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी वहां बुलावा भेज दिया। रेखा जी भी सीधी अपने गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था तो रेखा जी ने पड़ोसियों से चाबी ली और अपना घर खोल लिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी तीनों बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सब लोग इकट्ठे हुए तो रेखा जी ने अब सबके सामने अपना हाल सुनाया। बहनों ने कहा कि आप हमारे घर आ जाइए, पर सब अपने ससुराल में थी तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। एकमत से ही पिताजी का खेत रेखा दीदी को उपहार में दे दिया गया ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके और थोड़ी नगद राशि भी दे दी। रेखा जी ने अपना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वह उनके पैसे लौटा देंगी। तीनों बहनों के लिए भी यह घाटे का सौदा नहीं था क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था, जहाँ तीनों बहनें समय समय पर कुछ समय के लिए बिता सकती थीं। समय के साथ रेखा जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। रेखा जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए गए तरीकों से खेती की और फसलें लहलहाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नकद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख क्या होता है, उनसे बेहतर कौन जानता था, इसलिए वह अपने जैसे अन्य विधवाओं तो और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे। समाज सेवी संस्था भी आगे आकर उनको सहयोग देने लगी। अब रेखा जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन उन्हें स्वयं को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल लिया था, जहां गांव की लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। वह नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ ऐसा उनके गाँव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया। कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करने की बरसों पुरानी जो इच्छा उनके मन में दबी हुई थी, उन्होंने इस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली रेखा देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। रेखा जी की लोकप्रियता अब गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी थी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब किशोर ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उनका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने प्रीति को बताया। इस पर रागिनी किशोर को कहने लगी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो किसे देंगी। जायदाद के लालच में दोनों गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। वहां पहुंचते तो नौकर ने बताया कि रेखा देवी जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं। थोड़ी देर में आती ही होंगी। किशोर और रागिनी घर के बाहर निकल कर खेतों को निहारने लगे। हरी हरी फसलों में लहलहा रही थी। वे दोनों देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच विचार में डूबे किशोर के विचारों को एकाएक विराम लग गया, जैसे ही उन कानों में तेज हॉर्न न बजने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो किशोर और रागिनी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उनकी माँ रेखा देवी स्कूटर चलाकर घर को लौट रही थी। रागिनी भी देखकर हैरान थी कि वह बेचारी सी रेखा देवी कभी अपनी दवाओं के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उनके चेहरे के आत्मविश्वास साफ साफ छलक रहा था।
अपने बेटे को देखकर एक बार तो रेखा देवी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? अम्मा, हम तुम्हें घर वापस लेने आए हैं। हमें अपने किए का बहुत पछतावा है। अब तुम इन अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी, अपने घर अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगी। अपनी खेती तुम मेरे हवाले कर दो, यह जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। मेरे होते हुए मेरी अम्मा इतना काम करे, अब यह मैं कहती बर्दाश्त नहीं करूंगा। किशोर का साथ देने के लिए रागनी भी बोली, हाँ माँ जी, अब आपके बेटा और बहू आ गए हैं, आपको काम करने की क्या जरूरत है, हम सब संभाल लेंगे। रेखा जी जो अपने बेटे और बहू को अच्छी तरीके से जानती थी, उनके लालच को तुरंत पहचान गई। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, जो अपनी सगी माँ को घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं, वह इस असहाय और बेघर लोगों के बारे में क्या सोचेंगे, लोगों को क्या लगता है। मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी, बेटा तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, हकीकत में वही मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ, अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं हूँ। अपनी जिंदगी में मैं बेहद खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे जिंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ आया। अब तो मुझे यह सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज नहीं रहूंगी, अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी संपत्ति में से तुम्हें एक रुपया तक नहीं मिलेगा। अरे राजू, मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो, मुझे एक स्कूल के उद्घाटन में जाना है। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना, कहते हुए रेखा जी अपनी स्कूटर लेकर निकल पड़ी। वे दोनों हैरानी से स्कूटर पर जाती हुई अपनी अम्मा को देखते ही रह गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर